यहाँ पे मैंने रेड टिंटेड पेपर लिया है, उसके ऊपर मैं 6 सेंटीमीटर का सर्कल ड्रॉ कर रही हूँ। अगर आपको बड़ा पोम-पोम बनाना है तो आप थोड़ा मेजरमेंट इंक्रीज कर सकते हो। अब आपको सर्कल्स को कट करना है। यहाँ पे मैंने 20 सर्कल्स बनाए हैं। यहाँ पे आपको लाइंस मिले हैं, देखो। आपको ग्लू लगाना है अल्टरनेट लाइन, मतलब फर्स्ट लाइन पे अगर आप ग्लू लगाओगे तो सेकेंड लाइन छोड़ देनी है, थर्ड लाइन को ग्लू लगाओगे, फोर्थ लाइन छोड़ देनी है, फिफ्थ लाइन को आप ग्लू लगाओगे। अल्टरनेट आपको ग्लू यूज़ करना है। आपको सारे सर्कल्स को करना है। फर्स्ट लाइन में मैं अभी ग्लू लगा रही हूँ, सेकेंड मैं छोड़ दूंगी, थर्ड, फोर्थ छोड़ दूंगी, फिफ्थ। सारे सर्कल्स ठीक करके हो गए। अभी आपको एक सर्कल उसमें से लेना है और उसे जो हमने रिमेनिंग छोड़ दिया है लाइंस, सेकेंड वाली और फोर्थ वाली जिसे हमने ग्लू नहीं लगाया था, उस लाइन को अभी आपको ग्लू अप्लाई करना है। अब मैंने दो लाइंस को मैंने ग्लू लगा दिया है। अभी इसके ऊपर आपको सेकेंड वाला जो सर्कल है उसके ऊपर स्टिक कर देना है। यही स्टेप्स आपको रिपीट करते जानी है सारे सर्कल के साथ।
नेक्स्ट स्टेप आपको कम्प्लीटली ड्राई होने के बाद ही करनी है। देखो पूरी तरह से ड्राई हो चुका है अभी ये, और अच्छे से ओपन भी हो रहा है। अब मैं जो लास्ट वाले होंगे उस पर ग्लू लगाऊंगी, दोनों पार्ट स्टिक कर दूंगी, तो एक बॉल जैसे पॉम बन जाएगा हमारा। थोड़ा होल्ड करके रखना है, स्टिकिंग प्रॉपर करनी है। सेंटर में हम थ्रेड लगाएंगे ताकि एज अ डेकोरेशन आप कहाँ पे भी घर पे हैंग कर सकते हो इसे। आपको थ्रेड में और अंदर ग्लू लगा के थ्रेड को स्टिक करना है।